और अगर आपकी फीडिंग की रूटीन यही रही तो आप खुद भी परेशान रहेंगी और आपका बेबी भी परेशान ही रहेगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, मदर फीड और उसकी रूटीन टाइमिंग्स, कि हमने बेबी को आया फीड किस तरह करानी है और कितनी देर तक करानी है। व्यूअर्स, यूजुअली आपने देखा होगा कि बच्चे जब फीड करते हैं तो उसके आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद वो वापिस से रोना शुरू कर देते हैं, और मम्मा क्या करती हैं, वापिस से बेबी को फीड करा देती हैं, आया वो मदर फीड हो या टॉफिड करा रही हो। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि बेबी ने जब फर्स्ट फीड किया होता है तो वो प्रॉपर फीडिंग नहीं की होती, तो जिसकी वजह से उसको हमें दोबारा फीड कराना पड़ जाता है। अच्छा, जब वो दोबारा फीड कर लेता है तो 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर हमें ऐसा लगता है कि बेबी ने जैसे स्पिट आउट कर दिया या वॉमिट आउट कर दिया, बहुत प्रेशर के साथ वो फीड बाहर निकलता है, तो मदर और फादर दोनों परेशान हो जाते हैं कि बेबी दोबारा वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दिए इसने। अच्छा, इसके लिए हमने अब करना क्या है? हमने करना यह है कि हमने प्रॉपर एक टाइमिंग इसकी सेट करनी है कि अपने बेबी को, सपोज जैसे हमने 12 बजे फीड कराया है तो हमने उसको प्रॉपर फीड कराना है। एक टाइम पे फीड कराने के बाद हमने उसको 2 से 2.5 घंटे का टाइम देना है। अगर बेबी आपका काम सो रहा है तो हम उसको 2.5 घंटे में भी नहीं उठाएंगे, हम उसको 3 घंटे का टाइम भी दे सकते हैं। 3 घंटे में अपने बेबी को उठा के बेबी खुद भी डिमांड करेगा। अगर हम उसको प्रॉपर फीड कराएंगे तो वही फीड जो है डाइजेस्ट भी होगा अच्छे तरीके से, बेबी वॉमिट आउट भी नहीं करेगा, और वही दूध सांस की नाली में जाने के चांसेस भी 0% हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें आती है बात कि हम अपनी मदर, जो भी मदर्स होती हैं वो प्रॉपर फीडिंग क्यों नहीं करा पा रही होती, क्योंकि वो उनके पास अपनी खुद की डाइट नहीं ले रही होती, वो बहुत परेशान रहती हैं, स्ट्रेस रहती है अपने बच्चे की वजह से कि आया बच्चा इतना रो रहा है, ये बार बार फीड मांग रहा है, मुझे इसको बार बार फीड कराना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से यही बनती है कि हमारी रूटीन सेट नहीं होती। तो हमें हर प्रॉपर एक टाइमिंग सेट करनी होती है, हर 2-2 घंटे से 2.5 घंटे से फीड कराना होता है, बेबी को कुछ टाइम देना होता है कि ताकि जो फीड उसके अंदर है वो डाइजेस्ट हो सके। अच्छा, और मदर के लिए भी एक एडवाइस यही है कि मदर को भी चाहिए कि वो अगर रात के टाइम पे अगर बेबी को 4 घंटे का टाइम भी देती है फीड कराने के बाद कि बेबी सो रहा है, तो मम्मा को चाहिए कि अच्छे तरीके से वो अपनी नींद पूरी करे 3 से 4 घंटे के लिए, फिर एक फीड कराए, फिर 4 घंटे सो जाए, क्योंकि जब तक वो रिलैक्स नहीं होगी, काम नहीं होगी, तो उनके फीडिंग हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे और बहुत अच्छा फीड डिलीवर नहीं होगा बेबी के लिए। तो कोशिश ये करनी है मदर्स को भी कि अपनी हाइड्रेशन बढ़ाएं, डाइट अच्छी लें, सूप का यूज करें, फ्रेश मीट लें आप, ताकि आपको फीड अच्छा और बेबी प्रॉपर फीडिंग कर सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।